मंडी जिला के पधर में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें एक सड़क हादसे में कार में भड़की आग से दो युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज नैरचौक रेफर किया गया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बता दें कि पधर जोगेंद्र नगर वाया नोहली सड़क मार्ग पर दमेला के समीप कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और कार में ब्लास्ट होने के साथ उसमें आग लग गई। कार सवार दो युवक तमाम कोशिशों के बाद भी गाड़ी से नहीं निकल पाए और गाड़ी में भड़की आग में जिंदा ही जल जाने से उनकी मौत हो गई। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को राहगीरों ने समय रहते कार से निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां मामूली उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज नैरचौक रेफर कर दिया गया। हादसा रात करीब 11 बजे पेश आया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं कार में आग लगने से जिंदा जले दोनों युवकों के सिर्फ कंकाल ही नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि तीन युवक रात के समय लेंटर डालकर अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसके बाद कार में आग लग गई। उन्होंने कहा कि इस हादसे में दो युवकों की मौत हुई जबकि एक युवक घायल हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।